केक की रेसिपी लाए हैं जो कि हम सभी मतलब आई थिंक फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तुम लोग सब फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना, तो देखते हैं जलता है कि बनता है, ठीक है। हाँ जी। आज हम सब कजने बहने सब मिक्स होके बैठे हुए, तो हमने बोला कुछ अच्छा बनाते हैं, जब बड़े घर में नहीं हो तो कुछ ना कुछ तमाशे तो होते हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं आज केक बनाने, इंशाल्लाह बेहतर बनेगा, और जो जो मिस्टेक्स होंगे तो आप लोग बता दीजिएगा, कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और चले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना जिसके अंदर केक बना रहे हैं वो पतीला दिखाने जाते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आप लोगों को लेकिन आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। चले ये देखें, ये हमारे पतीले का ढक्कन उठ गया, ये पतीला है, इसके अंदर हमने क्या कहते हैं स्टैंड आई थिंक, हाँ जी वो चूल्हा का स्टैंड, ये देख ले इसका स्टैंड उतार कर हमने यहाँ रख दिया है, और इसके अंदर कुछ मिट्टी विट्टी कुछ भी नहीं है भैया, थोड़ा सा जला जला लगे क्योंकि पिज्जा बनता है, और नहीं थोड़ा ब्लैक भी नजर आ रहा होगा क्योंकि लाइट की कमी है, सही है क्योंकि थोड़ा नीचे नीचे है ना इसलिए। अच्छा चले इसको इग्नोर मारते हैं, और अब इसको मैंने गर्म करने रख दिया है बिल्कुल तेज आंच पे ताकि ये जल्द हो जाए, फिर इसके अंदर अब हम बना रहे हैं केक का बैटर, ठीक है ना दाना? यस। इसके अंदर हम डालेंगे 4 अंडे, थोड़ा सा अजीब सा है अंडा लेकिन ठीक है, देखें ये 4 अंडे ये डाल दिए हमने, ऐसे नहीं डालेंगे तोड़ के डालेंगे, तोड़ के डालेंगे ठीक है भाई, फर्स्ट टाइम बना रहे किसको क्या पता है ना, कोई छुरी से काटने लग जाए तो ये हम डाल लें, इसीलिए तोड़ती हूँ ना, पतीला टूटा है, ओए 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 पतीला का टूटा है बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए कितना हसीन इन्होंने तोड़ा है, थैंक यू, ये वंस मोर, और ये दो हो गए ना, ये तीन, ये तीन, तीसरा तो टूट ही नहीं रहा, बोल रहे मैं नहीं निकलना, ओ उसके अंदर वो छिलका भी गिर गया, बचा तो भी क्या, नहीं गिर गया, नहीं गिरा, ये रहा इसको कैसे निकाल रहा, उंगली से निकाल लो, आगे 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 बाय, मेरे ख्याल में बरीरा को अच्छा तोड़ना आता है, हैं बरीरा, आई कोर गिर गया, गंदे अंडे उससे तोड़वा लेती, आप तोड़ देती कैमरा मैन, मैं बहुत बहुत अच्छे अंडे तोड़ती हूँ मेरे ख्याल से सबके सरों में भी फोड़ती है नहीं वो आजकल आज तक मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ ऐसा कुछ। इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 कप चीनी, गरम डालेंगे जरा 1 कप चीनी, हाथ अभी देखे कितने खूबसूरत 4 अंडे टूटे हैं, हाँ बस 4 ही टूटे हैं अभी, वो भी सही के टूट गए बहुत अच्छी बात है, किसी के सर पे नहीं टूटे, हाँ और अब इसमें हम आइसिंग शुगर डालेंगे 1 कप, जब तक वो निकाल लिए हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, कर लो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है, वाइट वाइट थोड़ी सी ना वो आ जाए क्या झाग टाइप है ना, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बस इतना जी, ठीक है बस अब झाग बनाएंगे कि नहीं, अरे झाग बना लेंगे भाई, बरीरा मैडम डालेंगे इनके साथ, ये अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा और लेवल पर और लेवल, और लेवल करते हैं भाई, बाजी कह रही और लेवल बाजी बना दिया मुझे नहीं भाई हमारी आंटी कह रही है बस नहीं छोटी बच्ची कह रही है, चलो बस हाँ ये ठीक है अब सही है, नहीं अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई और करें, हाँ और मैश कर लो, जल्दी कर रही हूँ मैश भी मैश आलू है क्या, ये देखें हमारी बदीरा मैडम बीट कर रही हैं, सही से कर लें दादा, थोड़ा सा हो गया है अब मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, चले हम बदीरा मैडम इसमें डाल दें, ये 1 कप डालेंगे हम आइसिंग शुगर डाल दें, वो भाई ऊपर नहीं आ जाएगा भाई, ऊपर आ गया सॉरी मैं यही सोच रही थी इसलिए डर रही है, शायद ऊपर आ जाएगा वही हुआ आ गया, सही डर रही थी मैडम, आप इसको भी हमने अच्छा खासा बीट करना है ना जी, अच्छे से बीट करना है इसको भी हमने, आप क्यों चुप बैठी हैं दाना, बोलो सॉरी, उनको आपने कभी बोलते हुए देखा है ना, घर में बहुत बोलते हैं सब, वही है 4 लोग बोलते हैं, यहां पे भी गिरा दिया क्या, गिरा दिया अंडा, हां
वो उड़ के आया होगा ना, वो जैसे वो पाउडर उड़ के अम्मा जी के ऊपर आया। ढक्कन लगा दीजिए। हाँ उड़, वरना ये तुम पे उड़ के आएगा फिर। ठीक है जी, ठीक है। ये चीनी नहीं, पाउडर शुगर है, ये सोडा है, बेकिंग सोडा। चले जी, ये हो गया है मिक्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कप मैदा जी, और अब हम आपको दिखाएंगे इसको मिक्स कैसे करते हैं। इन्होंने जैसे गिरते हैं वैसे नहीं करते, आराम से। हाँ, आराम से। कपड़े गंदे ना इनके हुए थे इसलिए। प्यार और मोहब्बत के साथ इसे हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मेरे हाथ भी आ गए। हाँ, बस में हमने ये ख्याल रखना है कि इसमें फूटियाँ ना जम जाएं। फूटियाँ जम जाएंगी फिर वो सही कब फूटियाँ क्या होती हैं, गिल्टियाँ टाइप। हाँ अब वो तो फूटियाँ अजीब ही हरकत है आपकी तो वैसे। चलें ये देखें, ये हमारी शेफ लगी पड़ी है, नए नए शेफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी बेकरी खुल जाएगी। क्या नाम रखेंगे फिर उसका? नहीं वो तो फिर हम कहाँ गए, मतलब मैं आगे बाकी सब कहाँ चले गए फिर। नहीं लूना रखेंगे, लूना। हाँ मैंने ड्रामे में देखा था लूना, पता है कौन सा? हाँ मराल वाले ड्रामे में देखा था, उस बेकरी का नाम था लूना। इंशाल्लाह आमीन सुमा आमीन। आपके आपके मुंह में दो आदत के इंशाल्लाह। चलें भाई, अब इसमें हम डालेंगे कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर, कोकोआ पाउडर। अभी इसको पाउडर डालते हैं। कुछ क्या हो जाएगा आज, बड़ा मजेगा कि बनेगा। इंशाल्लाह आमीन सुमा आमीन। चलिए जी कोकोआ पाउडर। वैसे आज का दिन तो अच्छा गुजरा नहीं था, लेकिन ये अच्छा बन गया। बदीदा आपके आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? आमना जी बोला अपना जोश लगा दो, लाए हम भी बीट करें, आप थक जाएंगे वरना। मिल मिल के काम करते हैं। बरीरा इसके बारे में आपकी क्या राय, कैसा बनेगा, चलेगा बनेगा? नहीं अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम ना देखें, हम बना रहे हैं दो केक, ठीक है, हम बना रहे हैं दो केक, मतलब हम बना रहे हैं दो केक, ठीक है ना। वो दो केक इसलिए ऐसे बनेंगे, इसी बैटर से दो बनेंगे, क्योंकि ना हमारा जो शाशा है ना वो बहुत ही छोटा है। शाशा लेके आओ, ठीक है। शाशा मतलब वो क्या यार, इसको कहते हैं शाशा, जिसके अंदर हम ये बेक करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बहुत छोटा है तो इसके ना ये सांचा। हाँ सांचा, मुँह में नहीं आ रहा था। तो इसका जो आधा है ना वो इसमें डल जाएगा, फिर ऐसे ही आधा हम और डाल देंगे। तो ऐसे हमारे दो बन रहे हैं, लेकिन आप अगर बड़ा लेंगे तो आपका पूरा एक का एक बनेगा। और हम एक बिल्कुल सादा रख लेते हैं, ठीक है। एक में टॉप, इसमें ना हम क्या, एक में हम टॉपिंग करेंगे, ठीक है ना, और एक सादा छोड़ देंगे, सादा मम्मा वगैरह खा लेंगे। हाँ सादा, और है ना, ठीक है ना, सादा कर लेंगे और एक में टॉपिंग कर, जिसमें टॉपिंग वाला खाना वो खा लेगा, जिसमें सादा खाना। और फिर सादे से एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि अच्छा बना है, चीनी वीनी सब ठीक है। हाँ। ये सब अंदाजा होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। देखे पूरी जान लग रही है कि ऊपर आ रहा है, चल रहा है। बोल रहा है मुझे खा लो, बोलो कच्चे आते जो अपने घर में भी काम नहीं करते। वो आज इधर कर रहे हैं, आज इधर कर रहे हैं। ये आटा गूंदा जा रहा है तो लग रहा है। हाँ, आज मैंने पहली बार तो अपने घर में आटा गूंदा। चले मुबारक हो, आटा भी गूंद लिया इन्होंने। इन्होंने जाना है तो चले भाई, अब इसके अंदर हम डालेंगे, बस डालने तो दो। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। घी पता है मैं क्यों डाल रही हूँ, बटर और घी सेम ही होते हैं। घी को ना आपने मेल्ट कर लेना अच्छे से, फिर इसके अंदर डालना है। मेल्ट करके गरम गरम नहीं डाल देना, ठंडा करना है उसे, फिर डालना है इसे, ठीक है ना।
चलो अब हम घी डालते हैं। चलो उनको भी। ये हमारा घी है, घी। ये आपको बारीक सी आवाज आएगी, ये बनेगा घी जो हम सब में ही छोटी है जी, टिट्टी है टिट्टी, लेकिन बातें इनकी कमाल दादियों वाली है, तारीफ करने वाली ना आपकी। ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, हमारे व्यूअर्स जो होंगे ना वो सुनेंगे तो बोलेंगे ओहो इस लड़की को तो देख लेगा। लड़की दिखेगी तो देखेंगे। अच्छा नहीं वेट, पहले बता दूँ ना, अच्छा इसमें कलर भी चेंज हुआ है घी डलने से। हाँ वो चिकना चिकना लुक आ रहा है, मतलब वो शाइनी टाइप लुक। मैं डालूं बता देंगे। ये जो है ये ना बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है, हमारे घर में यही पड़ा था तो हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। अब आपके घर बेकिंग पाउडर हो तो आप डालें, बेकिंग सोडा इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे घर में नहीं पड़ा था, अभी तो बताया था मैंने कल मतलब बेकिंग सोडा मैंने हाफ इस्तेमाल किया। अगर आप बेकिंग पाउडर डालेंगे तो 1 टीस्पून, ये देखना 1 टीस्पून है, नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा बिल्कुल भी, 1 टीस्पून है, मैं बता रही हूँ, मुझ पर एतमाद करें। 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। ये मैं फालतू की बकवास कर रही हूँ अभी बैठ के, वो बेकिंग सोडा हाफ डालेगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है तो फुल, क्योंकि बेकिंग सोडा वो क्या अपनी एक जगह बना देता है आई थिंक, ऐसे कुछ मतलब सुना हुआ है ना, बातें हाँ हमें क्या पता, बच्चे क्या जाने। चले मैं डाल ली हुई है, और सबके सबके हाथ लगवाएं सबसे पहले। हाँ सबके हाथ लगवाएं, सबसे पहले बरीरा का हाथ लगवाएं, सबका जायका आ जाए। नहीं आपका जायका नहीं आ रहा, ये क्या, ये क्या हो रहा है भाई, गोल गोल ये घुमाना है, आराम से आराम से। देखो जो है ना वो जो है ना बबल्स बनने लग गई हैं, सॉरी बबल्स भी बनने दे, वो नहीं बनने देंगे, ठीक है। अब मेरा लग गया वापस हाथ, ये इसके अंदर हमने अभी नहीं डाला वनीला एसेंस, लो हाथ को ज़्यादा ही लग गया तो हाथ पे भी लग गया, वनीला एसेंस नहीं डाला, वनीला एसेंस पे राजू कहाँ हैं आप, एब्सेंट तो नहीं हो गए। ये है वनीला एसेंस, वनीला एसेंस, वनीला एसेंस, ठीक है। चॉकलेट एसेंस भी मिलता है, चॉकलेट एसेंस भी मिलता है, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जब गई मैं खरीदारी करने तो उन्होंने बोला भाई खत्म हो, मैंने बहन यार जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब हम डालेंगे वनीला, कोई हो गई है चले कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, ये रहा ओ बबल्स फुले, खुशबुओं के लिए होता है। हाँ सिर्फ खुशबू के लिए, आप अपनी मतलब जितना आप डालना चाहते हैं उतना ही डालें, आधा आधा डाल, हाँ बस काफ़ी है, दे हुए आराम से डाल दूँगा। ये डाल दिया वनीला एसेंस, ये मदीना ने डाल दिया वनीला एसेंस, मुबारक मुबारक। ये छोटी सी वनीला एसेंस की बोतल ये लोग लेके आए, नीचे करो सब एक एक चीज लेके आए ताकि बनाए और ये है वनीला एसेंस। हाँ भाई सामने मिलजुल के किया है, ये बेकरी ऐसे ही चलेगी मिलजुल के। ये प्याला भी मेरा नहीं गया ना, येल्लो येल्लो प्याला, येल्लो डटी कर लो। चलो भाई मिक्स हो जाओ, चले इसकी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब तक ये आपको बताएंगी कि साँचे में क्या क्या डलेगा, ठीक है ना। सांचा, हाँ सॉरी सांचा, हमने थोड़ा सा घी डाला, मैं इसको ना इस पर पूरे सांचे पे ब्रश की मदद से ना लगा दूँगी, ठीक है। मैं ब्रश ला दूँ, ये ब्रश की मदद से लग भी गया। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, मैदा का सीव छिड़केंगे बस। हाँ मतलब ये करो ना डाल, ये देखें मैदे डालो, ठीक है। अब ये देखें हम क्या कर रहे हैं, इसके नचवा रहे हैं डांस कर रहा है मैदा और जगह कौन से जगह, पूरे नीचे के प्लेटफॉर्म पे लग गया, अभी हम साइड्स पे लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा सांचा बन चुका है, सांचा तैयार हो चुका है, इसमें मैदा, हमने इसमें मैदा डाला है और घी। अब हम ये डाल रहे हैं बटर, और अब आपको ये पकने के बाद पता चलेगा हमारा तजुर्बा कैसा रहा। हाँ। तो एक नहीं आ गया, मैं भी यही देख रही हूँ, है ना। अब स्टार्ट, ये देखें इसको टैप टैप कर लेना ताकि इसमें जो भी एयर वगैरह हो ना वो सब ना क्या नाम है निकल जाए, ठीक है ना, ये कर लेना। अच्छा और मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि ये छोटा है तो इसमें आधा बैटर डलेगा आधा मैं उसमें वापस डालूँगा, तो कुछ नहीं हुआ, इसमें पूरा डल गया था, अब ये एक ही बनेगा।
सारे अरमान रह गए, अब वापस बनाना पड़ेगा। ये देखें ये गरम हो गया है अच्छा खासा, धुआं भी निकलता है इसमें से। बिस्मिल्लाह, इसमें मैंने डाल दिया ये, ठीक है, और चूल्हा। अब इसकी आंच चेक कर सकते हैं, इतनी आंच रखनी है और कितनी भी नहीं रखनी, ठीक है। अब इसे हमने आधे घंटे के लिए पकने देना है। देखें ये क्या है, चॉकलेट है, इसको हमने अच्छे से काट लिया है, क्रश किया, क्रश कर लिया है। इसके अंदर अब हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, ये है व्हिपिंग क्रीम, ठीक है ना, ये हम डाल लें, थोड़ी सी डालेंगे। अब मैं ऐसी ही डाल लूँ, आप देख लें, एक मिनट डल तो जाए पहले। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम डाल दी, डाल दी, ठीक है, इतनी व्हिपिंग क्रीम नहीं है, व्हिप है, ठीक है। इसको अब हम यहाँ रख देते, बहुत देख लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा घी डालेंगे, घी डालेंगे, मैं डाल रही हूँ घी, इतना डाल। अब इसको इधर देखो, हम इसको चूल्हे में रख देंगे। ये पतीले के अंदर मैंने इसको डाल दिया है ताकि ये हो जाए, ठीक है, मतलब जैसे ओवन टाइप का ही कुछ कर रहा है, पिघल जाए। ये देखें ये हमारा केक तैयार हो गया है, गर्म बहुत है, ज़रा संभाल के, ठीक है, चलेंगे, एक मिनट वेट। ये रहा दुपट्टा, वो कपड़ा, मतलब किचन का टावर, किचन टावर, ओ माय गॉड, इसको हम प्लेट में निकालेंगे, यार मुझे क्या लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, यमी यमी हो रहा है, और जो इसका तिनका है ये मैंने डाल दिया, खाली निकला है, वो आप देख के बना लीजिए। ये देख लें ये हो गई है, ये हमने पतीले के अंदर रख दिया था, नया नया ट्राई किया है। पिछली दफ़ा हमने वो शीशे का बर्तन में रखा था, मनु शीशे का बर्तन ही फट गया था, हमारा टूट गया था, फटने गया था, फट गया था, ऐसी दलालत हुई थी कोई, वो फट गया था, इसके अंदर रखा था और वो भी रखा, वो फट गया, मैंने आइंदा के बाद नहीं बनाना भाई। वो बेचारे बोल रहे होंगे, पहले तो कह रही थी कि तुमने कभी बनाया नहीं है। नहीं भाई, मैंने बनाया, बाकी जो तीन बैठी हुई थी इन्होंने कभी नहीं बनाया, मैंने तो बनाया एक दफ़ा, ख़राब बहुत किए, जलाए भी बहुत हैं भाई, बहन भी साथ तो इसलिए मैंने बोला। ये देखें ये वाला आइडिया अच्छा था ना, बेहतर था। हमारा कैमरामैन लगता है बहुत थक गया है, कभी कभी इधर हिल रहा है, कभी उधर हिल रहा है। देखें अब ये हो गया है, क्रीमी लुक आ गया है। अब इसको हम फ्रिज में रख दें थोड़ी देर, जब तक हम जाते हैं क्रीम की तरफ। तो ये देखें ये क्या है, एक कप व्हिपिंग क्रीम है, इसको हमने इसमें डाल दिया है। सीरियसली बहुत मजे की है मेरा। ये एक पर रखेंगे पहले हम, अब इसको बीट करेंगे, स्लोली 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 हमने इसको बीट करना है। देखें अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि क्रीम भी ठंडी थी, और ये जो इसके वो क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, हीटर के पार्ट भी मैंने ना रख दिए थे फ्रीज़र में, ताकि सब चीज़ें ठंडी ठंडी होंगी ना, तो वो क्या नाम है, अच्छा होगा, और अच्छा मतलब फिर बनेगा, फ्लफी फ्लफी भी बनेगा। और मैं क्या कह रही थी, हमने केक को इसलिए बीट नहीं किया था फीटर से, क्योंकि फीटर ना वो उसमें तो गर्माई सब नहीं निकलती है ना, तो उससे अजीब अजीब सा केक बनता, सॉफ्ट भी नहीं बनता और कड़क कड़क थोड़ा सा होता है। ये मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अनिंद्र की आवाज़ में आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं बाबा, आ गए आप लोग, कुछ बोलना चाहेंगे बरीरा मैडम जी? बरीरा छोटा शेफ है, आज के बाद इसने बोला है कि आज के बाद मैं कभी भी केक बनाऊँगी ना तो आपको बुलाऊंगी, मतलब खाने के लिए बुलाएंगी। नहीं केक खाने के लिए ना, केक मुंह पर मलती है ये, हाँ तो जाना ना रिस्की है बहुत। हाँ ये भी है वैसे, उसकी आगे भी रिस्की है। हमने आधी बोली मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं नहीं आ रही तुम लोग के पास। ओह नो आमना, आज सबने कैमरा यूज़ किया, अब हमारी मम्मा आ चुकी है तो वो भी यूज़ करिए, हमारे चैनल को और लाइक करें, ना लाइक भी करें, ना लाइक नहीं कीजिए, ना लाइक नहीं कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चले इसको अब हमने थोड़ी सी, मैं तो तेज़ कर दी है, फ्री पर ले गई हूँ मैं, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे ही 5 मिनट कर, मैं बस इस तरह की ये लगी होनी चाहिए, देखें आपको नज़र आ रही है, ये हिल ही नहीं रही, बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। इसमें हमने बस थोड़ी सी जो चॉकलेट है ना वो हमने डालनी है, और बाकी जो चॉकलेट है वो हमने सेव कर लेनी है टॉपिंग के लिए। अब इसको और हम बीट करेंगे,
ब्लेंड करना है। अगर आपको लगे ना कि आपका ये जो ब्लेड्स वगैरह हैं या क्रीम जो है ये थोड़ी सी गर्म हो रही है या सही से आपको महसूस हो रहा है कि भाई ये थिक नहीं हो रही, तो आप फिर से इसको ना फ्रीज़र में रख सकते हैं। जितनी ये ठंडी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा ये क्रीम आपको। ये देखिए क्रीम का टेक्सचर कैसा है और कलर कैसा हो गया। आप इसको कितना भी कर लें तो इसका देखिए टेक्सचर कैसा है, कैसा हैवी हो रहा है। चलो भाई हमारी अब लाइट चली गई है तो आप हमारे साथ इसी तरह बेयर कीजिए। ये पानी है ठीक है ना, पानी जला दें, थोड़ा सा ही पानी है ठीक है। इसके अंदर हम कितने चम्मच डालेंगे चीनी? एक चम्मच डाल के चेक करेंगे पर। एक चम्मच डाल लें ठीक है, क्योंकि पाउडर शुगर इसका टेस्ट मेरे ख्याल में कम होगा आई थिंक, तो हम एक और डाल देते हैं थोड़ी सी बस ठीक है ना। ये हो गया, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालने के लिए डाल रही हो? मीठा मीठा थोड़ा और हो जाए, मतलब वो सॉफ्ट प्लस मीठा। चले अब हम जब तक ये करते हैं आप केक कटता हो देखें। मम्मा आपको आता है? हाँ ये कट जाता है, आई डोंट नो यार मुझे भी नहीं आता। देखो ना ये वाली चीज काट के ठीक है, फिर ये दो पीस होंगे काटो। चलो ट्राई करो कोई, ये आप करो मैं पकड़ लेती हूं कैमरा। चलो ठीक है ओके। कौन ट्राई कर रहा है? स्टॉप करो। अच्छा ये देखो थोड़ा सा हम लोग ट्रिम कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बड़ा जल रहा है कि इसके साथ ही हम बना देते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये थोड़ा सा हमें इसको उतारना है वो इसलिए ताकि ये स्ट्रेट हो जाए जरा केक, जरा ये बिस्तर नुमा बना हुआ ना ऊंचा फ्लफी फ्लफी सा जिसपे जम करके बता के सो जाए। बहुत मेहनत जो है इसके बीच। कितने लोगों की? चार लोगों की, पांच लोगों की। पांचवा एंड में आया, सॉरी एंड में आया वो, उन्होंने क्रीम बनाई है अच्छी सी। हाँ तो वही ना टीम वर्क होता है हमेशा। ये देखे कितनी मेहनत से कट रही। अच्छा इसके लिए अगर आप बड़ी नाइफ यूज करेंगे तो ये जल्दी से आप एक ही वार में इसको वार वार कर सकते हैं। ये क्या हुआ? इसको मिडल से इधर से काटेंगे ठीक है, दो हिस्सों में। ये सबसे मुश्किल पार्ट है, इसको काटना सच में मुश्किल है। और ये जो हमारी छुरी है ना ये कुछ भी नहीं काट सकती, लेकिन हमने कोशिश की है कि ये केक काट दें। लोगों के हाथ जरूर काट सकती है। हाँ जो ऐसी छुरियाँ होती है ना वो हाथ काट देती है। हाँ। केक नहीं काटता। जितनी तेजी से छुरी को चलना चाहिए उतनी तेजी से मेरे दांत बज रहे हैं। आप लोग क्यों चुप हैं? ऐसे इनकी बैटरी लो हो चुकी है। हाँ स्टार्टिंग में सब कितने जोर जोर से चीख चीख के बोल रहे थे, अब सब डल हो गए। केक का इंतजार है, दरअसल वो केक पहला वाला खराब होता है देख के सबके मूड बदल गए। हम तो खा लेते हैं क्रीम वाले केक, हम तो खा लेते हैं क्रीम वाले। नमाज़ों में क्रीम वाले केक चल रहे, सद्दे नहीं दे रही बस केक। ये देखें वाओ माशाल्लाह वेरी फ्लफी। अच्छा चले आप जनाब आप अपना पानी स्प्रिंकल करें जी, जो चीनी का पानी आपने बनाया था। ये चीनी का पानी आ गया, ये ले। ये थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल ड्रिप करते जाएंगे, वो खुद ही सब कर लेगा। हाँ खुद ज़्यादा ही हो गया था। आई होप नज़र आ रहा है सबको जी, थोड़ा सा हट गया था, कोई मसला नहीं सब बैर कर सकते हैं हमारे साथ। सबको पता है कि एसी वाले हमसे थोड़ा सा बदले ले रहे हैं आजकल पाकिस्तानियों के साथ। अच्छा अब इसमें हम लगाएंगे क्रीम। अच्छा अच्छा हमने जो क्रीम बनाई थी वो उसको हमने देखिए ये थैली में डाल दिया है। थैली में डाल के ही नोजल लगा दिया। थैली नहीं दिख रही देखिए, थैली में डाल के नोजल लगा दिए। हम छोटी बेबी हैं। चले अब हम जल्दी से फटाफट क्योंकि लाइट जो है हमारी चल भी रहा है, बेकार हो रही है। जी जी चल रहा है, कहीं चले ही ना। वाओ, वाओ। इस तरह से अभी हम ऐसे ही रफली से निकालेंगे लगाएंगे क्योंकि हमने इसको पूरा स्प्रे लगानी इसी पे लगाना है, इसको अभी स्प्रेड करना है ना इस पे। भाई छोड़ दे आप, कैमरामैन कैमरा साइड पे कीजिए थोड़ी सी। इधर ये वाला डिजाइन
हम लोग रफली इसको यूज करें हमारे पास, क्योंकि वो राउंड प्लेटर नहीं है कि जिसके साथ हम राउंड राउंड करें। अगर आपने राउंड प्लेटर के साथ स्मूथली घुमा रहे हैं, जैसे आप सीमेंट लगाते होते हैं, मट्टी मट्टी प्लस सीमेंट जमीन पे, और फिर उसको खूब प्यार से आप अगर आपके पास करते हैं। नहीं हो ना तो आप वो ले सकते, हमारे घर आ जाइएगा, हम दे देंगे। हमारे पास खुद नहीं आंटी। अच्छा सॉरी। अच्छा जी बात सुने, अगर आपके पास नहीं हो ना तो ये देखें, अब हम चॉकलेट चिप्स डालने लगे हैं। ये यम, मुझे लगता है ना वो बदीरा को पसंद नहीं आई, तभी इतना कम बोल ही नहीं दी मुझे। वो इंतजार कर रही है जल्दी से ये सब डन हो तो हम खाएं, खा के घर जाएं। हाँ ये तो बेटा अभी फ्रिज में भी जाएगा। नहीं दिल के अरमान आंसू में बह गए। नहीं कैसे आंसू में बह गए, आजकल पसीना ज्यादा आ रहा है, पसीनों में बह गए। पसीनों। चले अब हमारी दूसरी स्टोरी बिल्डिंग आ रही है, जल्दी से हाथ डाले इससे पहले कि हमारी बिल्डिंग गिर जाए। आ गया, ढक करके गिर गई है हमारी दूसरी बिल्डिंग। अब इस पे भी हम शुगर का पानी कोट करेंगे, शुगर का पानी कोट करेंगे, शुगर का पानी कोट करेंगे। कैमरामैन कीप ऑन वर्किंग। अच्छा ब्लैक कैट कुछ ज्यादा ही ब्लैक कैट नजर आती है, ये जो केक है ना कुछ ज्यादा ही काला पीला नीला हो रहा है। ये वैसे भी हमारा सॉफ्ट ही बना था, और डालने के बाद और सॉफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी मुंह में रखा और पता नहीं कहाँ गया। सीरियस कितना सॉफ्ट हो जाएगा, वैसे सॉफ्ट नहीं होगा कि टूथपिक पे सारा केक लग के निकले। और ये देखें ये वही तजुर्बा, ये देखिए ये हमारा ये तजुर्बा कुछ ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही हमने फैट काट दिया था। तो ये देखिए हमारा ये मैदान में जो खिलाड़ी है ना ये बहुत जोर से दबाता है कि हमारी नोजल ही बाहर आ गई, कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी जी। चले कोई बात नहीं, आते आते ही आता है सब कुछ। चले ओके, अब हम ना इसको वैसे ही स्प्रेड करेंगे, लेकिन ये हमने जरा मोटी तह लगाई, क्यों मोटी तह लगाई मुझे नहीं पता। शेफ सिद्रा प्लीज, साइड पे भी लगेगी ना ये? हाँ साइड पे भी लगी और ऊपर थोड़ी मोटी सी तह लगी जी, वाई ताकि वो कवर कर दे। जेड जेड फॉर दैना। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइट बंद कीजिए। चलो हमारी वो वाली लाइट भी अब कह रही है कभी अलविदा ना कहना, लेकिन उसने अलविदा कह दिया है। चले अब हम इसको साइड पे लगाएंगे। शेफ सिद्रा साइड पे कैसे लगाएंगे, आप प्लेट दूसरी लेकर आए। स्ट्रेट लगा दिया है और साइड पे हमने ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई, क्यों आमना बताएगी आपको। क्योंकि साइड पे ना अभी हम जो हमारा ऊपर का पीस हमने काटा था ना केक का, उसी के हम ना क्रम्स बनाएंगे वो लगाएंगे साइड जी, और वो काफी ज्यादा फंकी लगेगा। अच्छा ये देखिए जो मैंने कुछ ज्यादा फराग दिली में, सही कोई शेर याद आ रहा है फराग दिली से? नहीं याद आ रहा है, बल्कि मुझे एक फनी शेर याद आया है कि रो रो के उनके फिराक में खड़े भर दिए, रो रो के उनके फिराक में खड़े भर दिए, वो बेवफा आए और नहा के चल दिए। अब हम लगाएंगे इसमें चॉकलेट क्रीम। ओ वेरी लव इट। मार दिया। ये देखें अब इसमें कोई तजुर्बा ना हो जाए पहले जैसे। वाह ये तो गोल गोल जा रहा है नाजरी। हो गया। चले नाजरी नजर भी लग गए थोड़ी बहुत। चलो साइड पे रोक दे ना, साइड पे रोक दे, तो साइड पे अड़ गया था बस। मेरा हाइंड जो है वो शाइकी हो रहा है बाबा, अल्लाह सही हो जाए। अब खत्म।
खराब नहीं होना चाहिए भाई। ओके अब कोई मिस्टेक नजर आ रही है आपको इसमें? तो हम अब इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप्स। बीच में खाया भी जा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें ऐसे क्या बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शहरों में अल्लाह मेरे मुंह पे लग जाता छोटी छोटी बातों वाली। आपकी जो ये भी जाने वाली है नाजरीन, ये देखिए सो टेस्टी। ऊपर आ गया पर मजा आने एक्सपेरिमेंट आर मेंट टू बी डिस्टर्ब्ड, तो थोड़ा सा कोई मसला नहीं है ना। वैसे नाजरीन भी इस बात पे बहुत इत्तफाक कर रहे होंगे कि चलो सही है बच्चों ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट तो किया। बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए बड़े भी बीच में आ गए। वाह बट इट लुक्स यम्मी एंड चम्मी। मैं थोड़ा सा बीच में मैं वो डालने लगी थी डॉट थोड़ी सी, तो बीच में चंक्स रखती हूँ मुझे डॉट्स ज़्यादा। इसके ऊपर चॉकलेट नज़र भी आएगी। रखो जी। और अब हमने स्प्रिंकल भी तो करना है साइड पे। जो बचा हुआ केक था उसका हमने क्रम्स बना दिया, अभी हमें और इसको पीसना है। इसमें खा भी जाते हैं थोड़ा सा। चलिए ये देखिए नाजरीन अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये क्रम्स इसकी एक लेयर बना रहे हैं आपके लिए ताकि आपको नजर आए क्लियरली। देखिए जब कुछ निकम्मी लड़कियां एक साथ इकट्ठी तो चार पांच निकम्मे दिमाग मिल के ये करते हैं, तो निकम्मे दिमाग मिल के कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर ही लेते हैं। अभी देखिए हमने कोई जुबेदा लग रहा है आपको उतना टेस्टी है भाई। जितना टेस्टी ये केक आपको लग रहा है उतना टेस्टी है। हम अब टेस्ट करके दिखाएं आपको वो नाइफ प्लीज। एक्चुअली नाइफ कहाँ है, ये तो ये हो रही है ये देखिए ये हमारी नाइफ, इसकी नाइफ बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर घुसने वाला तैयार है। नाइफ भी बेताब हो रही है कि ये केक जल्दी से कट जाए। वाओ जबरदस्त। और ये हम लोग क्रॉस कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए कितने आराम से ये नाइफ गई है। ये खा के कौन दिखाएगा? अच्छा चले अब हमने तो ये बना लिया भाई और हम ये सब खाने जा रहे हैं। अब आप हमें बताएं आपने क्या करना है। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने हस्बैंड को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपनी चाची को, अपनी काकी को, अपनी पुप्पी को, सबको बताइए कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए ओके नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलेंगे इन सब के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।